हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी 3SSC से जो जेई की लगभग 2000 से 2200 से अधिक पदों पर भर्ती आने वाली है उसके बारे में जो खबर छपी है पेपर में, उसको डिटेल से हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी खबर जो है दी गई है और कितने पदों पर विज्ञापन जारी होगा और विज्ञापन की प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने 2022 में 18,000 पदों पर भर्ती करेगा जिन पदों पर विज्ञापन निकाल दिए गए हैं। करा कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग वर्ष 2022 में भर्तियों के लिए लक्ष्य तय कर दिया है। इस एक साल में वह करीब 18,000 पदों पर भर्ती करेगा। जिन पदों के लिए विज्ञापन निकाल दिए गए हैं उनकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और करीब एक दर्जन से अधिक नए विज्ञापन निकाले जाएंगे। देखिए, कह रहा है कि न्यूनतम 2000 पदों के लिए विज्ञापन। आयोग ने अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए छोटे छोटे यानी कम पदों का विज्ञापन न निकालने का फैसला किया है। भविष्य में वह न्यूनतम 2000 पदों पर विज्ञापन निकालेगा। समान योग्यता के आधार पर विज्ञापन निकाले जाएंगे जिससे आवेदन करने वालों को परेशानियों का सामना न करना पड़े और वे अपने ही वर्ग के हिसाब से आवेदन कर सकें। आयोग को तकनीकी संवर्ग के विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती संबंधी प्रस्ताव मिले हैं जिसमें आप जेई के भी आता है। मौजूदा समय में इनके मिलान का काम चल रहा है जिससे एक साथ आवेदन मांगे जाएंगे। कारण कि कोरोना काल के चलते भर्तियां काफ़ी प्रभावित हुई थी, अब परिस्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। आयोग ने इसीलिए तय किया है कि हर माह न्यूनतम दो भर्ती विज्ञापन कराए दो भर्ती परीक्षाएं कराई जाएं जिससे पुरानी भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सके। आयोग इसी माह 17 जुलाई को लोअर की परीक्षा कराएगा और 24 जुलाई को नेपाल भर्ती की परीक्षा कराएगा। कारण कि वर्ष 2022 में अब तक निकाले गए विज्ञापन, देखिए नेपाल के 8,085 पद के विज्ञापन निकाले गए हैं, अनुदेशक के 2,504 पदों पर विज्ञापन अभी तक निकाला जा चुका है। अब देख रहा है कि जो विज्ञापन जल्दी निकाले जाएंगे, देखिए कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट और लिपिक के लगभग 3200 पदों का विज्ञापन जारी होगा। लेखपाल के 3800 पदों का नया विज्ञापन आएगा और तकनीकी संघ यानी जिसे जेई बोलते हैं, जेई के 2200 पदों पर विज्ञापन जो है जल्द ही निकाला जाएगा। अब कर आयोग ने अब तक कितनी भर्तियां की है, 2012-17 तक 17,000, 17 से 22 तक 18,000 और 2022 में लक्ष्य है 18,000 की। तो इसमें देखकर कहा कि PTSSC अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि आयोग ने एक साल में 18,000 भर्तियों का लक्ष्य रखा है, यह संख्या बढ़ सकती है। प्रक्रियाधीन भर्तियां जल्द पूरी की जाएंगी और नए विज्ञापन भी निकाले जाएंगे जिससे पात्रों को नौकरी मिल सके। तो इसमें देखिए साफो साफ कहा गया कि तकनीकी संवर्ग यानी सब जेई वर्ग की बात करते हैं, जेई के लगभग 2200 पदों पर विज्ञापन आपको जल्द ही UP SSC के माध्यम से देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद एक विज्ञापन आएगा जिसे प्रक्रिया चल रही है, इसमें जानकारी निकल के आ रही है। इसके बाद एक विज्ञापन एग्रीकल्चर का आएगा और उसके बाद तुरंत जो है विज्ञापन जो है जेई भर्ती के जारी होगा UP SSC के माध्यम से। और संभवतः यह है कि यह जो UP SSC की वैकेंसी जो जेई की वैकेंसी आएगी यह पेट 2021 के माध्यम से ही कराई जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए। थैंक यू।